ब्यूटिफुल पीपल आप सब लोग कैसे हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे आप सब लोग पॉजिटिव रह रहे होंगे एंड आई रियली विश कि आप सब लोग पॉजिटिव हों खुश हों अपनी जिंदगी में एकदम मतलब इंजॉय <laughs> चलिए तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस कैसे दिखेंगे कैसे होंगे अ, क्या उनकी क्वालिटीज होंगी कैरेक्टरिस्टिक्स पर्सनालिटी घर का एन्वायमेंट ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ बताऊंगी क्या जॉब में होंगे सब 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 बताऊंगी ठीक yes. है चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पाइल नंबर वन है हमारे पास यहाँ पर यू मेक मी अ बेटर पर्सन आई थिंक अब दिख रहा होगा <laughs> मैंने ज्यादा ही ऊपर कर दिया था अब दिख रहा है ना आप लोगों को यू मेक मी अ बेटर पर्सन कार्ड यहाँ पे जो ये ऊपर लव मैसेजेस रखे हैं ना इनमें से आपको चूज करना है तो पाइल नंबर वन है हमारे पास यू मेक मी अ बेटर पर्सन पाइल नंबर टू है हमारे पास यू यू नेवर लेट मी फील लोनलीट ओके यू आर माई सोलमेट लाइट पड़ रही है इस कार्ड पे देखिए <laughs> चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग आप लोग कोई भी एक पाइल चूज कर लीजिए गाइस एंड टाइम स्टेम्स जो भी है आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ठीक है चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर वन से हाई माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर वन तो जिन लोगों ने यू मेक मी आ बेटर पर्सन का कार्ड चूज करा है देख लेते हैं आपके फ्यूचर पाउस कैसे दिखेंगे कैसे होंगे ईच एंड एवरीथिंग सारे सीनरियोज एक एक करके जानते हैं ठीक है चलिए शुरू करते हैं यू मेक मी अ बेटर पर्सन इस कार्ड को मैं यहां रख देती हूँ ओके okay. चलिए शुरू करते हैं ये कुछ उनकी क्वालिटीज़ और कैरेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ हैं जो मैंने इकट्ठे करने की कोशिश करी है ठीक है तो मैं इनको भी यहाँ पे रख देती हूँ बाद में चेक करेंगे हम चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम टैरेट से देखेंगे ठीक है क्या है हमारे पास हैंडमैन लवर्स फाइव कार्ड्स आए थे हाँ पाइल नंबर वन के लिए फाइव कार्ड्स आए थे किंग ऑफ बॉर्नस एंड वन मो कार्ड आई हैव टू अरेन्ज इट हेयर द मून ओके आई होप ये कार्ड सीधे दिख रहे हैं आप लोगों को ओके चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले तो जो मुझे चीज दिख रही है ना गाइज वो मुझे यहाँ पर यह दिख रहा है कि ये जो पर्सन होने वाला है आपका फ्यूचर स्पाउस जो होने वाला है ये पर्सन बहुत ज्यादा रोमांटिक होगा बहुत ज्यादा ठीक है बहुत ज्यादा एक्चुअली कुछ लोग होते हैं रोमांटिक कुछ लोग होते हैं हद वाले होते हैं ना एकदम फ्लर्टी टाइप ये कुछ इस तरीके का होने वाला है और फ्लर्टी तो होगा लेकिन कुछ इस तरीके का भी होगा कि आ, इफ ये किसी इंसान को मुसीबत में देखेगा तो ये बचाने के लिए तुरंत चला जाएगा कुछ इस तरीके का भी पर्सन मेरे को ये लग रहा है दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये इंसान कुछ इस तरीके का भी हो सकता है जैसे कि कंफ्यूजन के अंदर रहने वाला ओवर थिंक करने वाला चीजों को बहुत ज्यादा सोचता है बहुत ही ज्यादा सोचता है अब क्या करूं अब कैसे करूं ठीक है इस तरीके का कुछ पर्सन मेरे को यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इसके जो पेरेंट्स हैं आपके जो फ्यूचर्स पाउस के पेरेंट्स हैं वो किसी बड़ी अथॉरिटेटिव पोजिशन पर हैं ठीक है और ये पर्सन जो है ना, कही ना कहीं ना कहीं से मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कि आ, होते ना बिगड़ेल बच्चे होते ना कुछ <laughs> गुंडे मवाली टाइप बिगड़ेल बच्चे होते कुछ इस तरीके की मेरे को यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं ठीक है फॉर श्योर sure. जी ओके okay, शायद हो सकता है इसीलिए आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज किया हो यू मेक मी अ बेटर पर्सन हो सकता है आपके इनके जिंदगी में आने के बाद आप इनको बिल्कुल बदल दो ठीक है ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पर्सन से मिल चुके हो मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर वन कि आप लोग ना इस पर्सन से मिल चुके हो ओके आप अब तक आराम से इस पर्सन को देख चुके हो ये कैसे हैं। तो बिहेवियर वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो पर्सन है ना आपसे मिलने के बाद एकदम चेंज हो जाएगा एकदम बदल जाएगा इसको ऐसा हो जाएगा कि आ, वाओ मतलब क्या हुआ मेरे साथ में ये कुछ अलग सा ही हुआ कुछ करंट सा फील हुआ मुझे <laughs> ठीक है तो ये तो इनके कुछ बातें थी जो इमोशनल बातें थी अगर मैं देखू यहाँ पे कि ये पर्सन का फिजिकल आ, किस तरीके का होगा लेट मी पुल आउट सम मोर कार्ड्स जो मैंने शफल करके रखे हुए हैं यहाँ पे साइड में ओके okay. हमारे पास है कंप्लीशन ऑर्डिनरीनेस गिल्ट कंट्रोल एंड अवेयरनेस देख लीजिए यहाँ पे भी गिल्ट का कार्ड है दैट मीन्स कहीं ना कहीं इस पर्सन को किसी तरीके का ना मन में एक पश्चाताप होगा कि यार मैंने ऐसा किया और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि फ्लर्टिशियस नेचर होगा इस पर्सन का तो हो सकता है कि इस पर्सन की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रहे बहुत सारा मतलब काफी ज्यादा एक होते है ना प्लब पब वगैरह पब वगैरह में जाने वाले क्लब वगैरह में जाने वाले कुछ इस तरीके का मेरे को एटमोसफेयर लग रहा है इसका एक चीज और मैं आपको बताऊं कि जब आप इसकी जिंदगी में आओगे ना तो आप किसी ना किसी तरीके के रिलेशनशिप से या तो उस रिलेशनशिप को खत्म करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे या फिर आप किसी रिलेशनशिप में होंगे और ये पर्सन आ धमकेगा आपकी जिंदगी में और आप सोचोगे यार बंदा तो यही चाहिए मतलब एक होता है ना बैड बॉय एंड गर्ल्स लव बैड बॉय कुछ इस तरीके की मेरे को यहाँ पे फीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए ठीक है तो ये कुछ किसी तरीके के बैड बॉय टाइप्स मेरे को दिख रहे हैं लेकिन होगा ये कि आप इनके जिंदगी में जैसे ही आओगे ना ये बंदा बिल्कुल बदल जाएगा जैसे ये रात का सुबह हो गया बिल्कुल बदल जाएगा ठीक है अवेयरनेस का कार्ड है इस पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं ना अवेयरनेस आ जाएगी अवेयरनेस इन सेंस की ये चीजों को समझने लगेगा और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के आपके जिंदगी में आने के बाद और आपकी इनके जिंदगी में जाने के बाद आपको और इनको यानी कि म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग ऐसी पैदा होगी कि अब हम कंप्लीट हैं अब हमें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि आ, खुशी मिल गई हो किसी तरीके की कि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है ओके okay? hmm. दूसरी चीज मुझे यहाँ पे क्या लग रही है अगर मैं कुछ मैं फिजिकल बता रही थी मैं बार बार इमोशनल बताने लग जाती हूँ फिजिकल अगर मैं बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टॉल होंगे ठीक है अब देखो यहाँ पे मैं बींग अ गर्ल चीजें बता रही हूँ तो ऐसा मत समझना कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए ही है भाई ये सबके लिए रीडिंग है ठीक है लड़कों के लिए भी रीडिंग है सो डोंट टेक इट लाइक दिस वे कि ये तो सिर्फ लड़कियों के लिए है हो सकता है जो आपके फ्यूचर स्पाउस हो उनके बहुत सारे रिलेशन हो ठीक है जो लड़की है उनके भी बहुत सारे रिलेशन हो हाँ गलत नहीं ले, आ, लेना है हमें इस चीज को गलत जज नहीं करना है फॉर श्योर ठीक है क्योंकि हमारा मोटो क्या है स्प्रेड पॉजिटिविटी ओके अच्छा जी अब बात आती है कि इनका ये दिखेंगे कैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना टॉल वाली फीलिंग आ रही है कुछ लोगों के लिए बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग तो मैं बोलूंगी फिफ्टी परसेंट लोगों के लिए टॉल होंगे काफी ज्यादा टॉल होंगे और कुछ लोगों के लिए मैं बोलूंगी कि काफी ज्यादा शॉर्ट होंगे ठीक है तो टिक uh, रेजोनेट अच्छा जी दूसरी चीज मुझे क्या लग रही है ना कि इस पर्सन को ना कपड़े पहनने का बड़ा शौक होने वाला है मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ठीक है इस पर्सन को कपड़े पहनने का बहुत शौक होने वाला है शूज के दीवाने ये चाहे लड़की है चाहे लड़का है दीवाने हैं बिल्कुल दीवाने हैं मतलब शूज इज लाइक ईच एंड एवरी फॉर हिम और हर कुछ इस तरीके का मेरे को यहाँ पे दिख रहा है दूसरा मुझे क्या लग रहा है ना कि इस पर्सन को ना गार्डनिंग करने का बड़ा शौक सा लग रहा है मुझे हो सकता है कि इस पर्सन को प्लांटिंग का बहुत शौक हो और ये भी हो सकता है कि इनके घर में एक छोटा सा गार्डन हो जहाँ पे इन्होंने प्लांट्स वगैरह लगाए हों और ये उसकी बहुत ज्यादा देखभाल करते हैं कुछ इस तरीके का मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे इनके इनके घर वालों से इतनी ज्यादा खास बनने वाली नहीं लग रही है मुझे ठीक है मुझे नहीं लग रहा कि आ, किसी तरीके की ज्यादा बनेगी क्यों क्योंकि देखो पेरेंट्स दोनों अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हैं मुझे पॉलिटिशियन की सी भी फीलिंग आ रही है यहाँ पे कि हो सकता है पॉलिटिशियन लॉयर या फिर कोर्ट कचहरी का कुछ है इनके घर में किसी तरीके का कोई लीगल काम है इनका लीगल यानी कि लोगों को न्याय दिलवाने जैसा कुछ लग रहा है मेरे को यहाँ पे हो सकता है कोई सरपंच वगैरह हो ठीक है या कोई न्याय मंडली में बैठते हो इनके पेरेंट्स तो उस तरीके का माहौल लग रहा है मुझे इनके घर में एक तरीके की ना एक तरीके की खामोशी है एक तरीके का सन्नाटा है ठीक है ऐसा लगता है इनके घर में जाने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कहा आ गई मैं कहां आ गया मैं सब कुछ बहुत ज्यादा सोना सूना सा ऐसा लगने वाला है आपको लेकिन ये पर्सन आपके लिए क्या होंगे एक तरीके का सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन का कार्ड है हमारे पास ठीक है दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है ना कि इस पर्सन की देख ही लेते हैं ना इस पर्सन की वैसे मुझे लग रहा है कि बिग बिग आईज होंगी और ये जो पर्सन होगा ना आ, काफी ज्यादा खूबसूरत दिखने वाला है आपको ठीक है आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मदर पहले इसको रिफ्यूज कर दें ठीक है आपकी मदर बोल दे क्या है इतना तो कुछ खास भी नहीं दिखता लेकिन आपका और इनका एक अट्रैक्शन जो एक बॉन्ड होगा ना वो इतना ज्यादा होगा इतना ज्यादा होगा ना कि आपको भी समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है ठीक है दूसरा मैं आपको बताऊं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये आपका सोलमेट या फ्लेम हो सकता है इसको पाने के लिए आपको बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ेगी बहुत जिद्दोजहद मतलब कहते हैं ना एकदम पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं फैमिली नहीं मान रही पहले तो आप दोनों को अपनी अंडरस्टैंडिंग्स बिठाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी अंडरस्टैंडिंग्स बैठेंगी तो भाई पेरेंट्स ठीक है पहले तो सोचो ये पार्टनर आपकी जिंदगी में आएगा आप इसको बदलोगे ठीक है बदल के ये थोड़ा ठीक होगा फिर उसके बाद में आप दोनों एक दूसरे के साथ में अंडरस्टैंडिंग ट्विनिंग करोगे अंडरस्टैंडिंग ट्विनिंग होने के बाद वो ही रोना पीटना इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग ट्विनिंग होगी आप दोनों की कोई समझ रहा है कोई नहीं समझ रहा है फिर जाकर के वो गाड़ी पटरी पर आएगी और आप अपने पेरेंट्स के पास जाओगे तो भाई पेरेंट्स नखरे लगा देंगे ठीक <laughs> है तो कुछ है इस तरीके का मेरे को माहौल लग रहा है वैसे देख लेते हैं चलो फूडी प्लस फन लविंग यस मैंने बोला था ना कि क्लब वगैरह में जाना और मजे करना घूमना फिरना कुछ इस तरीके का मेरे को माहौल यहाँ पे लग रहा है दूसरा खाने के शौक, शौकीन हो सकते हैं लव फीलिंग मैंने बोला था ना कि इनके बहुत सारे लव रिलेशनशिप्स होंगे देख लो वही कार्ड आ गया ठीक है लव फीलिंग्स एंड देन वी हैव मॉडर्न प्लस ट्रेडिशनल मैंने बोला था ना कि पब वगैरह जाते हैं दैट मीन्स मॉडर्न वगैरह होंगे बहुत ज्यादा पैसा बहुत है लेकिन इनके घर वाले किसी न किसी uh, कहते हैं ना न्याय देने वाले जो लोग होते हैं जैसे कि समझ रहे हो ना क्या कह रही हूँ तो कुछ इस तरीके का होगा यहाँ पे सिनेरियो तो ये ट्रेडिशनल भी होंगे वाइट टीथ ओके तो इनके बहुत ज्यादा सफेद दांत होंगे जो कि आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे एंड देन वी हैव रिच प्लस जेंटल बोला था ना कहा था ना बहुत अमीर होगा ये ठीक है तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है लेट्स चेक ऑल्सो सी मैंने कहा था ना आप लोगों को कि मदर इश्यूज होंगे यहाँ पे देख लीजिए मून का कार्ड आ गया हमारे पास होप आपको सारे कार्ड दिख रहे होंगे मून का कार्ड आ गया मजिशियन का कार्ड आ गया दैट मीन कि हाँ क्योंकि यहाँ पे भी मून का कार्ड था ना देखो यहाँ पे भी मून का कार्ड है मुझे ऐसा लगता है ना कि इनकी मदर नहीं मानेगी इनकी मदर बहुत अथॉरिटेटिव है बहुत अथॉरिटेटिव है ठीक है इनके बदल बहुत अथॉरिटेटिव है एंड uh, जो ये पर्सन है ना इसको आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा अपनी जिंदगी में इस पर्सन के आने के बाद आपकी जिंदगी टोटली चेंज हो जाएगी टोटली ठीक है देन लेट्स चेक विद दीज काज ऑल्सो वी हैव मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट कहा था ना मैं आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा सी इस पर्सन को आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा ये इतना इजीली नहीं आएगा आपकी जिंदगी में फिर हमारे पास यू आर गुड इनफ हो सकता है आपको कई बार डाउट होना शुरू हो जाए कि यार क्या मैं सच में मैं इसके लायक हूं या नहीं हूं यार ये ये बंदा तो बड़ा रिच है इस पर्सन के पास तो सब कुछ है अवेयरनेस भी है अच्छे गुड लुक्स भी हैं मेरे पास तो कुछ नहीं है कुछ इस तरीके का होगा तो आपको ये सोचना दैट यू आर गुड इनफ आप हो पूरे हो आप जो भी हो ठीक है दूसरा है हमारे पास यहाँ पे लेट्स चेक From romance cards, we have compassion. You demonstrate the language of heart by. एक्टिवली शेयरिंग एंड लिविंग लव सी वही सारी बातें जो मैंने आपको बोला था क्या कि ये जो पर्सन रहेगा ना इसको आपको एक तरीके से मैनिफेस्ट करना होगा इसको एक तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये है कैसा इंसान देन वी हैव फ्रीडम यू आर रिलीजिंग एनी सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस और प्रसिव लिमिटेशन थ्रो दिनर्जी ऑफ ओपननेस यानी कि आपको खुलकर इसे प्यार करना पड़ेगा इसे पूरी आजादी देनी पड़ेगी फिर है हमारे पास एलिवेशन यानी कि यू आर मेकिंग द कॉन्शियस डिसीजन टू रेज योर वाइब्रेशन ऑफ लव रेज योर वाइब्रेशन ऑफ लव दैट मींस मैजिशियन मैनिफेस्टिंग और फिर ये भी ठीक है जी तो कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा इस पार्टनर को पाने के लिए तो गाइस कुछ इस तरीके के सिनेरियोज होंगे आपकी जिंदगी के अंदर बट एट लास्ट अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो आपकी शादी हो जाएगी पक्का ठीक है तो पाइल नंबर वन कुछ इस तरीके के होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गई पे जस्ट अ मिनट अभी जाना नहीं है आपको देखो थोड़ा सा और <laughs> आपको मैं एक चीज बताना भूल गई कि ये पर्सन या तो किसी ना किसी तरीके के पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स uh, में चला जाएगा या फिर इनका खुद का अपना बिजनेस होगा ठीक है ये चीज मैं बताना भूल गई थी तो गाइस कुछ इस तरीके के होंगे आपके पार्टनर बट आपको प्यार बहुत ज्यादा देंगे ठीक है इन आप कि इनकी जिंदगी में आने के बाद इनकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी ओके okay? तो ये था पाइल नंबर वन के फ्यूचर स्पाउस के बारे में अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट ओके ताकि मुझे पता लग सके आप लोगों को वीडियो कितनी अच्छी लग रही है और क्या मुझे और इसके अंदर और आपको बताने की जरूरत है ठीक है मुझे सजेशन दीजिएगा लव यू बहुत सारा वाला इफ यू वॉन्ट एनी काइंड ऑफ पर्सनल रीडिंग अभी ऑफर चल रहा है सिर्फ दो दिन के लिए वैलिड है बाय हाय माई ब्यूटिफुल पायल नंबर टू तो जिन लोगों ने यू नेवर लेट मी फील लोनली का कार्ड चूज किया है देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस किस तरीके के दिखेंगे क्या उनके अंदर क्वालिटीज होंगी क्या चीजें होंगी मैं इस कार्ड को ना यहाँ ऐसे रख देती हूँ ताकि आप लोगों को दिखता रहे कि ये कौन से पाइल की रीडिंग है ये उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है ये भी हम यहाँ रख देते हैं फिर चेक करेंगे चलिए देख लेते हैं पहले टेरो से जानते हैं हम हम्म वी हैव द वर्ल्ड देन वी हैव थ्री ऑफ बॉन्स थ्री ऑफ पेनिकल्स And Page of Souls. Okay. Hmm. Then we have next some cards Aloneness, Friendliness, Maturity. पॉलिटिक्स ओके लेट्स चेक विद दीज कार्ड्स ऑल्सो देन वी विल स्टार्ट इट वर्ल्ड डेथ आई होप आपको सारे कार्ड दिख रहे होंगे चलिए शुरू करते हैं ओके गाइस सबसे पहले मैं जोडियक्स नहीं बता रही हूँ ठीक है मैंने पायल नंबर वन में भी नहीं बताया यहां भी नहीं बता रही हूँ हमारे पास क्या क्या है देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को सिनेरियो बता देती हूँ मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर टू काफ़ी लोगों ने चूज़ किया है ठीक है पहले मैं चेक कर लूँ कार्ड सीधे हैं आप लोगों को दिख रहे हैं या नहीं ओके नाउ इट्स गुड पाइल नंबर टू जिन लोगों ने भी चूज़ किया है ना मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मेच्योर पर्सन है सबसे पहली चीज़ तो और आप इस पार्टनर को पहले से नहीं जानते हो ठीक है आप इस पार्टनर को पहले से नहीं जानते हो इट विल बी टोटली न्यू पर्सन फॉर यू ओके इसीलिए शायद हमारे पास ये कार्ड आया है यू यू नेवर लेट मी फील लोनली और यहां पे अलोननेस का भी कार्ड है मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हो सकता है आपका ब्रेकअप हो आपके किसी एक्स के साथ ओके okay? आपका ब्रेकअप हो किसी एक्स के साथ में और ये न्यू पर्सन आपकी जिंदगी में आए बट इनका भी किसी ना किसी के साथ में ब्रेकअप हुआ हो ठीक है कुछ इस तरीके के सिनेरियोज मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं दूसरी चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊं कि ये पर्सन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होगा अपने घर वालों की सुनने वाला होगा मेरे को थोड़ा सा ना जैसे होते हैं ना बच्चे होते हैं जो पेरेंट्स के ही साथ रहना पसंद करते कुछ इस तरीके की फीलिंग आ रही है ममाज बॉय टाइप फीलिंग आ रही है मुझे यहाँ पे ठीक है अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि आखिरकार ये पर्सन किस तरीके का दिखेगा तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग ये पर्सन बहुत ज्यादा ना लॉन्ग होने वाला ना बहुत ज्यादा शॉर्ट होने वाला है ठीक ठीक होगा एकदम ठीक 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 है दूसरी चीज मुझे यहाँ पे क्या लग रही है ना ये बहुत ज्यादा सिद्धांतवादी होगा सिद्धांतवादी इन सेंस की रूल रेगुलेशन का पक्का इंसान जिसको अगर एक बार किसी ने कुछ कह दिया ना तो वो चीज करके ही नहीं बताना फिर यानी कि अगर किसी ने बोल दिया कि तुमने इस चीज को इस तरीके से कैसे कर दिया तुमको इस चीज को टच नहीं करना है या कुछ भी मतलब कहते हैं ना बचपन में मन मुटाव हो जाता है थोड़ा बहुत तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये पर्सन कुछ इस तरीके का होगा कि इसके मन में एक बार जो बात घर कर गई ना वो कर गई ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करेगा चीजों को बार बार घुमाता रहेगा परेशान सा थोड़ा सा इस तरीके का पार्टनर हो सकता है आपका ठीक है इनको ना दूसरों की बातों का बुरा बहुत जल्दी लग जाता है बहुत जल्दी ओके इनको ऐसा महसूस होने लग जाता है जैसे कि आखिरकार मुझे कहा तो कहा क्यों इस तरीके का मेरे को पार्टनर लग रहा है दूसरी बात मैं आपको बताऊं लॉयल होगा बहुत ज्यादा और फॉरेन वगैरह में घूमा हुआ भी मेरे को लग रहा है काफी ज्यादा हताश ये इंसान इसलिए भी होने वाला है क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पार्टनर ने आप, आपके इस पार्टनर ने ना फ्यूचर स्पाउस ने इतना कुछ झेला है अपनी जिंदगी में कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से विक्ट्री देख करके सब कुछ खत्म करने वाली कंडीशन में मेरे को लग रहा है है पे ठीक है? दूसरी चीज मैं आपको बताऊं लोगों को स्टॉक करना स्पाई करना इनको बहुत पसंद है <laughs> बहुत ही पसंद है मुझे ऐसा लगता है कि आप इनके रिलेशन में आ जाओगे ना मतलब जैसे आप दोनों इन रिलेशन आ जाओगे एक दूसरे को पहचान जाओगे कि आप ही हो वो पार्टनर तब भी अपने एक्स को फॉलो करेंगे तब भी अपने एक्स को स्टॉप करेंगे ऑफ सोच का कार्ड है और इस चीज के पीछे ना आप दोनों की लड़ाइयां भी होंगी मुझे ऐसा भी लग रहा है और फिर भी इतनी लड़ाइयां हो जाने के बाद भी एक बार ये मुस्कुराकर आपको बोलेंगे कि प्लीज जो भी आपका नाम है आ जाओ या फिर कुछ भी तुरंत भाग के आप चले जाओगे बिकॉज आप एक तरीके का ना इंटेंस कनेक्शन फील करोगे इस पार्टनर के साथ इसीलिए यहाँ पे आया है कि आप कभी भी इनको अकेला नहीं छोड़ते हो अलोननेस ओके दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है स्टार्टिंग में आप एज ए फ्रेंड मिलो बट धीरे धीरे आप आगे बढ़ते 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 आपका जो आ, फ्रेंडशिप आ, फ्रेंडशिप है आपकी वो लव में चेंज हो जाए दोस्ती प्यार में बदल जाए कुछ इस तरीके का सिनेरियो है और ये जो दोस्ती प्यार में बदली है ना इसको परेशान भी कौन करेगा दोस्त फ्रेंडलीनेस ठीक है क्योंकि आप तो हो बहुत ज्यादा मेच्योर ओके फिफ्टी परसेंट लोग मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर टू जिन लोगों ने चूज किया है इनके पार्टनर या तो बहुत ज्यादा मेच्योर होने वाले या फिर बहुत ज्यादा इमेच्योर होने वाले ठीक है या फिर ये सिनेरियो आपके ऊपर भी हो सकता है एनर्जी वायस वर्सा हो सकती है ठीक है या तो आप बहुत ज्यादा इमेच्योर होगी या फिर आप बहुत ज्यादा मेच्योर होंगी या फिर ये चीज इनके ऊपर लागू होती है और जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह है ना वो आपके रिलेशनशिप से जलेंगे पॉलिटिक्स करेंगे किसी ना किसी तरीके की आप दोनों को अलग कर देने के लिए ठीक है कुछ इस तरीके का सिनेरियो मेरे को यहाँ पे लग रहा है ओके okay. अगर मैं इनके बारे में कुछ बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि ना तो ज्यादा लंबे होंगे ना ज्यादा छोटे होंगे अपने घर वालों से प्यार करने वाले सब लोगों के चहेते शांत किस्म का इंसान होगा एकदम शांत किस्म का ना ज्यादा किसी से बात करना ना ज्यादा किसी से बोलना लेकिन इतना ज्यादा केयरिंग होगा आपको लेकर के कि आपको ऐसा फील होगा वाओ मेरी तो जिंदगी सवर गई है ठीक है वर्ल्ड का कार्ड दो बार आया यहां पे तो डेफिनेटली मैं बोलूंगी कि ये इंसान ना काफी ज्यादा घूमेगा और इसको घूमना बहुत ज्यादा पसंद है हो सकता है इनको फोटोग्राफी का भी बहुत ज्यादा शौक हो ठीक है ये अपनी जिंदगी में जब क्राइसिस वाले दौर में चल रहे होंगे ना तब आप लोग मिलोगे और आपके आने के बाद धीरे धीरे ये मेच्योर होना शुरू होंगे धीरे धीरे प्यार आ, जो है आना शुरू होगा और फिर ये ठीक हो जाएंगे एकदम इनकी जिंदगी बिल्कुल संवर जाएगी ठीक है चलो इनमें से भी देख लेते हैं सी कहा था ना मैंने ममास चाइल्ड और देख लो वही चीज आ गई मैंने बोला था ना कि ममास बॉय वाली फीलिंग आ रही है मेरे को क्योंकि वहां पे थ्री ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है ओके स कि कहीं ना कहीं मदर फादर का काफी ज्यादा क्रेज रहेगा बिग मोस्टैच राइट उनकी बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी ऐसी डाढ़ी मूछ होंगी ठीक है और स्माइली फेस स्माइली फेस होगा उनका जब भी वो स्माइल करेंगे ना तो आपको बड़ी खुशी होगी क्योंकि वैसे बहुत ज्यादा सड़ू होंगे तो ये स्माइल बहुत कम करेंगे तो इनका स्माइली फेस आपको बहुत पसंद आएगा फिर हमारे पास बिग हेयर्स प्लस सॉफ्ट स्किन तो इनके लंबे बाल हो सकते हैं ये लड़की जो लड़कियां हैं ना जो लड़के देख रहे हैं तो उनके लिए लड़कियों का भी हो सकता है कि उनके लंबे हेयर्स होंगे सॉफ्ट सी स्किन होगी और ऐसा भी हो सकता है कि जो लड़कियां देख रही हैं वीडियो हो सकता है उनके पार्टनर ने बाल बढ़ा रखे हों ठीक है लेट मी चेक वन मोर एक्ने प्रोन स्किन ओके तो भाई एक्ने भी हो सकता है उनको ठीक है सॉफ्ट स्किन तो है बट भी हो सकता है उनके फेसेस पे होता है ना कई लोगों को लेकिन आपको मुझे आप एक तरीके से ना खुश रहोगे इस इंसान के साथ मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है और भाई दिखो मैंने इमोशनल बता दिया आपको इनका दिखना बता दिया अब तीसरी चीज बताती हो कि ये हो किस में सकते हैं मुझे यहाँ पे ना पुलिस वाली वाइब्स आ रही है तो पुलिस मिलिट्री ठीक है या फिर आ, किसी तरीके का मेरे को लग रहा है टूरिस्ट गाइड भी हो सकते हैं ठीक है और मुझे और क्या लग रहा है मुझे यहाँ पे पुले, आ, वो पुलिस के चांसेस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं बहुत ज्यादा दिख रहे हैं पुलिस के चांसेस दूसरी चीज़ जो फिफ्थ चीज ऐसी हो सकती है फोटोग्राफर भी हो सकते हैं कोई अच्छे राइटर भी हो सकते हैं ठीक है बिकॉज दिस मेच्योरिटी एंड फ्रेंडलीनेस कार्ड ओके इनकी तरफ से पेरेंट्स से कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ से पेरेंट्स से कोई दिक्कत आ सकती है और ये किसी ना किसी तरीके के पॉलिटिक्स में शामिल रहेंगे पॉलिटिक्स इन सेंस कि किसी ना किसी तरीके का खतरा किसी ना किसी तरीके के डूल डूअल नेचर के लोग होते हैं ना ड्यूल नेचर के लोग होते हैं उन तरीके का कुछ मुझे यहाँ पे सीन लग रहा है कि आप दोनों की लड़ाईया ही होंगी इनके फ्रेंड्स वगैरह की वजह से ठीक है चलिए देख लेते हैं इनकाज में क्या है हमारे पास नेस एक्सेप्टेंस एंड प्रायोरिटीज पीसफुलनेस यू रिकोगनाइज दट बैलेंस काइंडनेस एंड लव ब्रिंग कामनेस टू योर सोल डेफिनेटली ठीक है आप ही वो इंसान रहोगे जो इस रिलेशनशिप के अंदर ना प्यार मोहब्बत एफर्ट्स लेकर आओगे ये पर्सन हमेशा मतलब क्या बोलू लड़ाई झगड़ा एक्सेप्टेंस यू आर रेडी टू रिलीज कंट्रोल ऑफ सिचुएशन और पीपल एंड लविंग एम्बेरिज द रिदम ऑफ लव डेफिनेटली आप क्या करोगे ना आप ही हो जो प्यार लेकर आओगे एक्सेप्ट करोगे इनकी बेवकूफियों को भी ठीक है फिर हमारे पास प्रायोरिटी यू अंडरस्टैंड द पैरामाउंट इंपॉर्टेंस ऑफ मैनिफेस्टिंग लव इन ऑल सिचुएशन यानी कि आपको अच्छे से पता रहेगा कि किसको कितना देना है इनके घर के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास दो जो एंजल कार्ड्स हैं वो है नथिंग नथिंग इज यू नथिंग इज येट सेट इन स्टोन यानी कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आ, आप कर नहीं सकते हो ठीक है कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि इम्पॉसिबल हो सब कुछ पॉसिबल है जिंदगी के अंदर ओके और मुझे ऐसा लगता है विद दिस कार्ड आई एम ऑल्सो सींग वॉटर हेयर मुझे ऐसा भी लगता है ना कि वाटर से कुछ जुड़ा हुआ हो सकता है हो सकता है मैं बता देती हूँ बताना तो वैसे नहीं चाहिए था मुझे ऐसा लग रहा है कि वाटर साइन होने के चांसेस ज्यादा है पाइल नंबर टू ओके वाटर साइन होने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनको आ, इनके लिए फीलिंग्स बहुत ज्यादा रखोगे मन में आप ही बार बार देखो एक्शन का भी कार्ड है मैं बोलने वाली थी कि हो सकता है आप ही बार बार एक्शन लोगे इस पर्सन के पास जाने के लिए ठीक है तो कुछ इस तरीके के हो सकते हैं पाइल नंबर टू आपके फ्यूचर स्पाउस अब मुझे जरूर बताइएगा आप लोगों को आज का ये वीडियो किस तरीके का लगा है अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस और कमेंट करना मत भूलिएगा मुझे सजेशन दीजिएगा कि आगे वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए लव यू बहुत सारा वाला अपना अपना ध्यान रखिएगा पॉजिटिव रहिएगा और मुझे मेल कर सकते हो आप फॉर पर्सनल रीडिंग्स बाय हाई माई ब्यूटिफुल पायल नंबर थ्री तो जिन लोगों ने यू आर माई सोल मेट का कार्ड चूज किया है मैं इस कार्ड को तो यहाँ रख देती हूँ ठीक है तो अगर आपने सोलमेट का कार्ड चूज किया है तो ये है भाई आपके रीडिंग और ये है आपके <laughs> ये है आपके कुछ पार्टनर के कैरेक्टरिस्टिक्स कि कैसे वो दिख सकते हैं कैसे हो सकते हैं चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम टैरो से चूज करेंगे ओके okay. इट ऑफ पेनिकर्स सेवन ऑफ पेनिक सेवन ऑफ Swords, एट ऑफ कप्स हम्म ब्रेक थ्रू रिबैल गोइंग विद द फ्लो पार्टिसिपेशन हम्म इनसे भी देख लेते हैं हमारे पास ये कांच भी मौजूद है ये गाइडेंस मैसेजेस है मैं यहां रख देती हूँ हम ये बाद में चेक करेंगे वी हैव देंगमैन एंड द लवर्स हम्म आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे मैं चेक कर लेती हूँ सीधे हैं या नहीं ओके okay. ठीक है गाइस। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली चीज जो मुझे यहाँ पे दिख रही है ना वो मुझे क्या लग रहा है कि पैसा 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 <laughs> पैसा पैसा बहुत करेंगे ये मुझे ऐसा लग रहा है आ, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं पैसे को लेकर के लेकिन उतना परिणाम नहीं मिलता उतना पैसा इनको मिल नहीं पाता है ठीक है जितना ये सोचते हैं ना उतना ये एक्चुअली में होता नहीं है जितना ये मेहनत करते हैं उतनी इनको परिणाम नहीं मिलेगा मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं पायल नंबर थ्री हम्म hmm. और मुझे क्या लग रहा है ना ये पार्टनर कैसा होगा आपका हर एक्शन को करने में हर चीज को करने के लिए बहुत ज्यादा स्लो यानी कुछ लोग होते हैं ना लेट लतीफ टाइप <laughs> कुछ इस तरीके का सीन लग रहा है मेरे को ये लेट लतीफ टाइप होंगे आपके पार्टनर ठीक है ऐसा भी हो सकता है कि ये आ, हर बार सोचें कि अरे यार रुक जाओ थोड़ी देर बात कर लूंगा मैं का आप अगर कोई चीज इनसे मंगवाओ तो ये आपको तुरंत बोल दें अरे रुक जाओ यार आराम से कर लेंगे

पायल नंबर थ्री मुझे ऐसे चांसेस लग रहे हैं वैसे टेन परसेंट चांसेज मुझे लव मैरिज के लग रहे हैं वैसे ज्यादातर चांसेस मुझे ना अरेंज मैरिज के लग रहे हैं और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये ना कुछ लोगों का ही सोलमेट है ये कार्ड आपने वैसे सोलमेट का चूज़ किया है कुछ लोगों के लिए सोलमेट है मुझे ऐसा लग रहा है कि कार्मिक हो सकता है आप लोगों का ठीक है ये कार्मिक हो सकता है मुझे ऐसा लग रहा है ओके okay. चलिए अब इनके कुछ uh, जान लेते हैं किस तरीके की पर्सनैलिटी के जान लेते हैं मेहनती बहुत है फल नहीं मिलता है लेट लतीफ बहुत ज्यादा है लेजीनेस बहुत ज्यादा है काम को करके खुश नहीं होता है कभी भी कोई भी काम करवा लो खुश नहीं होगा कभी भी हमेशा लगेगा कम है कम है कम है ग्रीड बहुत ज्यादा है इस पर्सन में दिख रही है मेरे को फैमिली ओरिएंटेड है अपने घर वालों से बहुत ज्यादा प्यार करता है जब आप इनके जिंदगी में आ जाओगे तो ये आपसे भी प्यार करेंगे लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा सा गैप लग रहा है मतलब कम्युनिकेशन गैप मेरे को यहाँ पे लग रहा है हो सकता है आप में और इनके बीच में ना कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा हो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है पाइल नंबर थ्री आप लोग जो देख रहे हो वीडियो आप लोगों को किसी तरीके का आ, ऐसा पर्सन मिल सकता है जो कि हम्म ऐसा पर्सन मिल सकता है आपको जो कि जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ हो कि कोई गर्लफ्रेंड रही हो या कोई बॉयफ्रेंड रहा हो और उसने उसको धोखा वगैरह दे दिया और फिर इन्होंने चला करके आपसे शादी कर लिए मतलब मुझे अरेंज मैरिजिस के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं फिर उसके बाद क्या होगा ना वैसे होने को यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड है लेकिन फिर भी मुझे इंटेंशन आ रहे हैं अरेंज मैरिज के हैंगड मैन किसी ना किसी चीज का धोखा पछतावा सा मेरे को यहाँ पे दिख रहा है पायल नंबर थ्री ओके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पार्टनर खुश नहीं है ये पार्टनर आगे चल के भी खुश नहीं रहेगा महत्वाकांक्षी बहुत ज्यादा है डिजायरेबल बहुत है डिजायर्स खत्म ही नहीं होती ये मिल गया ये चाहिए वो मिल गया कुछ और चाहिए कुछ इस तरीके की यहाँ पे चीजें लग रही है बहुत ज्यादा अनरोमांटिक होने वाले मैं फिर बता देती हूँ ठीक है काम 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 सारे दिन काम काम लगा रहेगा ओके ये पर्सन ज्यादा टॉल नहीं होगा बट हैंडसम होगा मुझे ऐसा लग रहा है ये हैंडसम होंगे ये अपने आगे किसी दूसरे को इसलिए भी कुछ नहीं समझेंगे बिकॉज ये हैंडसम बहुत ज्यादा है तो इनके दिमाग में ये रहेगा हाय मेरे को तो कोई भी मिल जाएगी मेरे को किसी की वो जरूरत थोड़ी है इस तरीके का एटीट्यूड लेकर ये आगे बढ़ेंगे बिकॉज इनका अच्छा खासा ब्रेकअप होगा ठीक है आप इस पर्सन के आने के बाद ऐसे रहोगे जैसे की आ, चलो जो भी हो रहा है इट्स ओके चलने दो चलने दो कुछ इस तरीके की कंडीशंस रहेंगी तो इट्स गुड टू बी मैनिफेस्ट अ गुड पर्सन स्क्रिप्टिंग करना शुरू करो अगर कर आप लोगों से ये फाइल मिल रहा है या फिर आप ऐसे किसी पर्सन के साथ में हो तो मूव हो इस ऐसे रिलेशन से मूव हो ठीक है वी हैव सेक्शुअल सेक्शुअली एक्टिव मैंने बोला था ना कि कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ही होगा कि मैं तो इतना खूबसूरत हूं तो फिर क्या हो सकता है इस पर्सन को सेक्शुअल सेक्शुअली बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा ये पर्सन ठीक है फिर हमारे पास लव प्ले हम्म बोला था ना मैंने कि कहीं ना कहीं लोगों के इमोशंस और ये सब अच्छा मैंने नहीं बोला अभी बोल देती हूं लोगों के इमोशंस वगैरह से खेलना और मतलब कार्मिक लग रहा है मुझे ये पार्टनर बहुत ज्यादा कार्मिक डार्क आईज क्लियर फेस कहा था ना मैंने खूबसूरत होगा ये इंसान फिर हमारे पास लव अपोजिट सेक्स ओके डेफिनेटली इनको इन सब चीजों में बड़ा संतुष्ट होंगे ये ओके एंड बिग आईज बिग आईज दो बार आया ना नहीं डार्क आईज था वो बिग आईस तो डेफिनेटली खूबसूरत तो बहुत होंगे ये पाइल नंबर थ्री लेकिन कहीं ना कहीं आप इनसे संतुष्ट नहीं रहने वाले हो काफी ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कार्मिक है ये कनेक्शन ठीक है आप ऐसा बंधा हुआ महसूस करोगे ना इस पर्सन के साथ में आपको ऐसा लगेगा कि क्या मैं कहा फंस गई हूं या कहा फंस गया हूं आप इस पर्सन के साथ कभी भी पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे चीजों के अंदर परेशान रहोगे हमेशा वी हैव कम्युनिकेशन इज की आपके लिए एंजल्स का मैसेज है कम्युनिकेशन इज की। यानी कि आ, आप कम्युनिकेट करोगे इससे प्रॉपर तरीके से तो ही आपको निर्णय मिल पाएगा डिसीजन मिल पाएगा अदरवाइज प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती हैं। तो आपको क्या करना है जब भी कम्युनिकेट करो क्लियरली करो दूसरा द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम यानी कि ऐसा हो सकता है कि आगे चल के कोई डायवोर्स वगैरह होने के चांसेस हो प्लीज गाइज चेक करवा लेना कोई कार्मिक तो नहीं है, शादी करने से पहले. ज योर मिस एंड लाइक एंड आ गया ना वही कार्ड कर्म कर्म बड़े होंगे ठीक है फिर हमारे पास हार्मनी. यू आर एबल टू फील अ लविंग बैलेंस कनेक्शन विद एवरी विद एवरी ओके यानी कि कहीं ना कहीं आपका और आपके पार्टनर का कनेक्शन कुछ इस तरीके से रहेगा कि आप तो बहुत कुछ चाहोगे करना आप बहुत कुछ इनको देने की कोशिश करोगे बट बिकॉज दिस ही और शी विल बी और कार्मिक तो वो किसी तरीके का कोई फीलिंग्स की कदर नहीं करेंगे ओके okay? फिर है हमारे पास क्रिएटिविटी यू लव टू डिवाइज न्यू आइडियाज इनोवेशन एंड फॉर्म ऑफ इल्यूमिनेशन मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है फिर आप अपने जॉब के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर लो ओके okay? तो कुछ इस तरीके की मेरे को यहाँ पे एनर्जीज लग रही है गाइस अच्छा ये किस चीज के अंदर हो सकते हैं मुझे यहाँ पे फुल ऑन चांसेस लग रहे हैं किसी ना किसी तरीके का कोई बिजनेस हो सकता है इस पर्सन का ठीक है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के भी चांसेस लग रहे हैं विद दिस लवर्स कार्ड तो थोड़ा भाई चेक कर लीजिएगा पाइल नंबर थ्री रीडिंग्स नेगेटिव है अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ हो तो इट गुड टू बी मूव ऑन विद डेट काइंड ऑफ पर्सन ओके तो ये था पाइल नंबर थ्री के लिए सही बताऊ मुझे भी बुरा लग रहा है बट ऐसा है तो है ठीक है अगर ऐसे किसी पार्टनर के साथ आप हो तो आगे बढ़ो इस पार्टनर के साथ मत रहो ठीक है बाकी इट्स योर लाइफ आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा आपको करना चाहिए बट थोड़ा सा सोचने समझने की जरूरत है ठीक है चलिए अपना ध्यान रखिएगा ये था आज का वीडियो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस एंड इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग सेशन देन आप वो भी ले सकते हो जानने के लिए दैट ये पर्सन आपका कार्मिक है सोलमेट है ट्वेंट्ले में क्या है ठीक है अपना अपना ध्यान रखिएगा पॉजिटिविटी फैलाइएगा और जिस तरीके का पार्टनर आपको चाहिए उसके लिए आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो ठीक है चलिए अपना ध्यान रखिए पॉजिटिव रहिए बाय